यस yes, मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है बिल्कुल सही सही समझ में आ रहा है गुड इवनिंग बेटा गुड इवनिंग एवरीबडी तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन आज के सेशन के अंदर सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए यानी कि आपने क्या करना है सबसे पहले आपने करना है लाइक लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ठीक है जी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट और जल्दी जल्दी कर लीजिए मैं बिल्कुल बढ़िया हूं मजे में हूं सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो चलिए अब आगे बढ़े तो अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जो हमें इस चैप्टर में यूज करनी है जैसे कि सबसे पहले हमारे पास एक टर्म है फ्लोरसेंस फ्लोरसेंस क्या होता है फ्लोरसेंस इज द कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू ग्लो व्हेन लाइट फॉल्स ऑन इट ठीक है उसे हम फ्लोरसेंस कहते हैं फ्लोरसेंस uh, में खास बात ये होती है कि जो लाइट पड़ती है उससे जो लाइट एमिट होती, है, वो की होती है।, पड़ती है और ग्रीन कलर का सल्फाइड, सल्फाइड फ्लोरसेंसिंग अच्छा आज, के सेशन के अंदर कोई एनिमेशन नहीं है। आज का सेशन बिल्कुल, नीरस, बिल्कुल सीधा सीधा सेशन चलेगा जिसके अंदर हम बहुत सारे कोशिश कर सकते हैं ठीक है चलिए फॉस्फोरसेंस की अगर हम बात करते हैं तो फॉस्फोरस इज दीज टू ग्लो इवन आफ्टर द लाइट सोर्स इज कट ऑफ यानी कि इसको हम डिलेड फ्लोरसेंस भी कह सकते हैं ठीक है सो दैट्स व्हाट वी हैव एज द फॉस्फोरसेंस ठीक है फॉस्फोरसेंस इज डिलेड फ्लोरसेंस चलिए अब इसके बाद हमारे पास एक और चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं जिसे हम कहते हैं केमी ल्यूमिनेसेंस केमी अब अगर हम ल्यूमिनेसेंस की बात करें तो ल्यूमिनेसेंस इज द केमिकल रिएक्शन जिनके अंदर से सिर्फ लाइट निकलती है ठीक है यूज इन टेलीविजन तो हमारे पास आ जाता है सेंटिलेशन अक्षरा पर आज सब कुछ लिखा हुआ है बहुत कुछ अगर तुम्हें कोई डाउट पूछना है तो पूछ लेना ठीक है अब हमारे पास एक टर्म आ जाती है जिसे हम कहते हैं सिंटिलेशन अब सिंटिलेशन क्या है सिंटिलेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लोरसेंट मटेरियल टू ग्लो व्हेन एन एनर्जेटिक पार्टिकल फॉल्स ऑन इट तो उसे हम कहते हैं सिंटिलेशन ठीक है सो दैट्स व्हाट वी कॉल एज द सिंटीलेशन अब हम बात करते हैं स्टडी ऑफ द कैथोड रेस पर जब स्टडी ऑफ द कैथोड रेस की बात करते हैं तो विलियम क्रुक्स ने 1879 में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन की थ्रू गैसेस एट लो प्रेशर ओके तो लो प्रेशर पे जो गैसेस की बात की थी तो यहां पर हमने बात की तो कैथोड रेस की वो क्या रहा है Ek to talk about the properties of the cathode rays, subsequently, by the properties, can they produce a sharp shadow of the solid object placed? मास एंड कार्नेटिक एनर्जी तो यह कैथोड रेस से हमें इसमें पता चल जाता है फिर अगर हम बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन की तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज बेंड हो जाती हैं दे बेंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल शोइंग दैट द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज्ड ठीक है charged, तो ये हमारे पास कैथोड रेज के चार्ज की बात आ जाती है इसी तरीके से अगर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो भी कैथोड रेज तो भी कैथोड रेज दे आर रिफ्लेक्टेड ठीक है और ये डिफ्लेक्ट होती है टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड जो ये बताता है कि यहां पर ये नेगेटिवली चार्ज है ओके क्लियर अब यहां पर हमारे पास आ जाता है और ये कैथोड रेज दे आर एबल टू पेनिट्रेट द द ब्लैक पेपर एंड अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट तो ये कैथोड रेज की हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाती हैं अब बात कर लेते हैं दे पोजेस पनेट्रेडिंग इफेक्ट दे कैन इजिली पास थ्रू थिन फॉइल्स ऑफ मेटल्स तो ये हमारे पास कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज आ जाती है पवन कुमार अब वॉइस क्लियर है या अभी भी कट रहा है ठीक है तो ये हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टीज ऑफ द कैथोड रेस। दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन दे आर एबल टू प्रोड्यूस फॉस्फोरसेंस मिनट बेटा can यू hear me नाउ अब तो वॉइस ब्रेक नहीं हो रही Am I audible? Am I audible now clearly? चलो अब बात करते हैं एनोड रेस की एनोड्रेस को कैनाल रेस भी कहा जाता है क्योंकि दे आर ऑप्टेंड फ्रॉम द परफोरेशन इन द कैथोड रेस दे आर ऑप्टेंड फ्रॉम द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब तो ये एनोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस है उससे प्रोड्यूस होती है तो यह जो डिस्चार्ज ट्यूब का जो गैस है उससे चेंज हो जाता है ठीक है और इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं कि अगर हम डिस्चार्ज डिस्चार्ज क्योंकि गैस को चेंज कर दें तो एनोड रेस की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है जबकि एक बात का ध्यान रखना प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस रिमेन सेम कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज किसी भी चीज से चेंज नहीं होती दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कैथोड रेस ठीक है एनोड रेस को कैनाल रेस भी कहा जाता है और ये इनका जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है दैट इज चार्ज टू मास रेशो तो ये गैस के साथ साथ चेंज होता चला जाता है ठीक है ये वैल्यू लेकिन इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि इलेक्ट्रोड का क्या मेटीरियल इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज हो भी जाए तो भी ये चेंज नहीं होती ठीक है ये बात समझ में आ गई पूजा पात्रा आर यू क्लियर विद दैट ठीक है नाउ अब हम बात करेंगे कि हम चार्ज टू मास रेशो कैसे डिटरमाइन करते हैं चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करने के लिए क्या किया गया उन्होंने यूज किया फिजिक्स का जे जे थॉम्सन ने चार्ज टू मास रेशो ही डिटरमाइन किया था दैट इज वाई ही गॉट द प्राइज अब चार्ज टू मास रेशियो के अंदर क्या होता है चार्ज टू मास रेशियो डिटरमाइन करने के लिए करते यह है कि सबसे पहले कैथोड रेस के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड से वो बेंड हो जाता है फिर मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको वापस उसकी सेम पोजिशन पर ले आया जाता है अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देती है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है और मैग्नेटिक फील्ड का जो फोर्स है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और जब ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं देन इन दैट केस व्हाट वी फाइंड इज कि उन दोनों को इक्वेट करके वी कैन एक्चुअली फाइंड वैल्यू ठीक है अब ये समझ में आया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका चार्ज टू मास रेशियो हमेशा सेम था एंड दैट वैल्यू वाज 1.76 पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन रेस्ट पार एट कूलम्स पर ग्राम जिसको हम लिख सकते हैं 1.76 पॉइंट सेवन सिक्स इंटू टेन रेस्टू पार इलेवन कूलम पर किलोग्राम ठीक है तो ये इस तरीके से भी किया जा सकता है अब देखो मेरे साथ बेटा बहुत जल्दी जल्दी करते चले जाओ पूरा का पूरा चैप्टर हम आज रिवाइज करने वाले हैं अब मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो मिलिकन ने अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ही फाउंड आउट द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन ठीक है अब यहां पर क्या हुआ ये हमारे पास थी ऑयल ड्रॉप ये हमारे पास है मशीन ऑयल दिस इज मशीन ऑयल मशीन ऑयल हमने क्यों यूज किया बिकॉज मशीन ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है तो जितनी भी छोटी छोटी ड्रॉप्स भी होंगी तो वो भी इवेपोरेट नहीं होंगी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द मशीन ऑयल ठीक है संकल्प बेटा फिजिक्स क्लास के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा शायद आज ही होनी थी आज हुई नहीं क्या उनकी क्लास ठीक है अब यहां से हमारे पास ये जो वर्ड है ये जो यहां पर जो चीज है ना इसे कहा जाता है एटोमाइजर इसे कहा जाता है एटोमाइजर एटोमाइजर का मतलब ये नहीं है कि इसको एटम में कन्वर्ट कर देता है एटोमाइजर का मतलब छोटी छोटी फाइन ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर देता है तो यहां ये ड्रॉप्स यह यहां से निकलती हैं यहां पे हमारे पास ये सोर्स ऑफ एक्सप्रे है ये जो सोर्स ऑफ एक्सरे है ना दिस इज एबल टू आयोनाइज द एयर इन चैंबर तो ये एयर को आयोनाइज कर देता है तो जब ड्रॉप नीचे आती है तो ड्रॉप के ऊपर भी चार्ज आ जाता है अब यहां पर हम क्या करते हैं ये हमारे पास इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स को हम इस तरीके से रखते हैं ये वाले इलेक्ट्रिकली चार्ज प्लेट्स हैं हम इस तरीके से रखते हैं इस प्लेट्स को कि ये ऑयल ड्रॉप बीच में अटक जाए यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दें अब काम क्या करना है हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस करना है इक्वेट करना है मास हमें पता चल जाएगा मास के ए, ये हमारे पास इक्वेशन आती है ना जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स एफ ग्रेविटेशनल इज इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वेर और इनफैक्ट ये आ जाएगा जी इंटू एम ऑफ द ड्रॉप अब ड्रॉप का जो मास है वो निकाला जा सकता है बाय गेटिंग द डेंसिटी ऑफ द ऑयल एंड द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट्स और रेडियस कैसे आएगा इस व्यूइंग माइक्रोस्कोप से व्यूइंग माइक्रोस्कोप जो है हमें इसका रेडियस बता देता है ठीक है वी इट इज एक्चुअली व्यूइंग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जिससे हम इसका रेडियस निकाल लेते हैं हेलो रुपिंदर सिंह कैसे हो बेटा लाइक like जरूर करते चले जाना लाइक like करने में आप बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं डर माई एस एम एस रीडर्स कैन यू सॉल्व माई प्रॉब्लम क्या बोल रहे हो सर राज दिवाकर एस एम एस रीडर ठीक है क्लियर तो इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टर्न आउट टू बी वन पॉइंट सिक्स जीरो टू इंटू टेन रिश्वाइनस नाइनटीन कूलम्स डेट इज फोर पॉइंट एट इंटू टेन रिश्वाइनस टेन ई एस यू ई एस यू इज द सी जी एस यूनिट ऑफ चार्ज ठीक है यह बात ध्यान रखना सीजीएस यूनिट कभी कभी बासु कंकनावाडी इफ वी प्लेस वाटर और अनदर फ्लूड इन प्लेस ऑफ ऑयल बेटा वाटर की बहुत छोटी छोटी ड्रॉप्स होंगी तो वो इवेपोरेट हो जाएंगी जब तक हम वाटर की ड्रॉप्स का हम रेडियस मेजर करेंगे तब तक वाटर इवेपोरेट हो चुका होगा रेडियस चेंज हो जाएगा इसलिए वाटर की ड्रॉप्स डालने का कोई फायदा नहीं होगा इज दैट क्लियर समझ में आ गई ये बात बासु अनुसा मलिक आपका क्या है बेटा मुझे आपका क्वेश्चन नहीं मिला मेरा क्वेश्चन आपका क्वेश्चन मुझे नहीं मिला कहां है आपका क्वेश्चन कहा गया क्वेश्चन नहीं है यहां पे आपका क्वेश्चन वेलकम अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी लाइव क्लास देख रहे तो आप लाइव क्लास रोज देखना आज ही एक बार नहीं तो ये हमारे पास था तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन आउट टू बी मासन पॉइंट एक्सपेरिमेंट से ही पता चल पाता है अब गोल्ड स्टीन ने उस समय तक प्रोटॉन डिस्कवर कर लिया था यानी कि प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड इन एटीन एट्टी सिक्स और प्रोटॉन से हमें यह पता चल गया कि प्रोटॉन क्या है प्रोटॉन इज द हाइड्रोजन एटम ठीक है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है ठीक है अब कंपेयर टू द मास ऑफ हाइड्रोजन आटम इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो वन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड थर्टी पॉइंट वन एट वन टाइम्स ज्यादा है ठीक है अब एटम से भी छोटा पार्टिकल हमें मिल चुका है ठीक है और क्योंकि आटम से भी छोटा पार्टिकल हमें मिल चुका है तो इससे हमें यह पता चल गया है कि एटम इज डिविजिबल ठीक है द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच एज मास मच लोअर टू द मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम प्रूफ दैट एटम इज डिविजिबल नहीं डेट्स वेट्स याद करने की जरूरत नहीं आनंद कृष्णन डेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड यह डेट्स केमिस्ट्री में नहीं पूछी जाती पता नहीं शायद बायोलॉजी में पूछी जाती है लेकिन केमिस्ट्री में डेट्स नहीं पूछी जाती ओके okay? तो चलिए बात करते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ द एटम की ऑन द बेिस ऑफ द एक्सपेरिमेंटल डेटा अवेलेबल एट दैट टाइम थॉमसन प्रपोज एन एटम यहां पर उसने क्या आटम प्रपोज किया उसने कहा कि एटम कंसिस्ट ऑफ ठीक है ही ट दैट एटम कंसिस्ट ऑफ हाँ बिल्कुल कौनुषा मैं हर चीज को हाईलाइट कर दूंगा जो भी रिक्वायर्ड है और लाइक like जरूर कर दीजिएगा फोर्टी टू वॉचिंग थर्टी एट लाइक हमारे पास है इस तो हमारे पास फिफ्टी लाइक्स हो जाने चाहिए ओके okay? हॉमसन ने क्या प्रपोज किया आटम को ये किया कि आटम इज कंसिस्टिंग ऑफ अ ह्यूज पॉजिटिव स्फेयर जिसके अंदर नेगेटिव्स एम्बेड हो गए हैं क्लियर सो दैट वाज थॉम्स मॉडल ऑफ द एटम अब इसके बाद हमारे पास अल्फा पार्टिकल गोल्ड फाइल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है अब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये कहता है ये एक्सपेरिमेंट किया था गीगर ने और मार्शन ने गीगर वाज़ हिज असिस्टेंट एंड मार्सन वाज़ हिज स्टूडेंट तो उसके स्टूडेंट और उसके असिस्टेंट ने यह एक्सपेरिमेंट किया था ठीक है राजदिवाकर आप नीट दे जरूर सकते हैं फिर उसके बाद क्लियर करने के बाद मुझसे पूछिएगा कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा ओके यस जेदिदा गोर जॉर्ज वी आर गोइंग टू कंप्लीट द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इन हंड्रेड डेज यस हम इलेवेंथ और ट्वेल्थ दोनों कंप्लीट करने वाले हैं जैसे कि आज हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं ना ठीक है ओके चलिए तो यहां पर उन्होंने क्या किया दे थिन फॉइल्स ऑफ मेटल्स अब थिकनेस वॉर समथिंग लाइक 0.4 पॉइंट फोर माइक्रॉन थिक जीरो पॉइंट फोर माइक्रॉन का मतलब है जीरो पॉइंट फोर इंटू टेन रेस्टा माइनस सिक्स मीटर यानी कि फोर इंटू टेन रेस्टा माइनस सेवन मीटर ये इसकी थिकनेस थी जो यूज की गई फॉइल्स ठीक है ऑफ गोल्ड सिल्वर अलग अलग चीजें थी विद अ फास्ट मूविंग बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ठीक है, यानी कि दीज वर्क वॉट वी कॉल एज डबली चार्ज एटम्स रम फातिमा हाँ, स्टूडेंट के नाम तो याद रखते ही आप रेगुलर स्टूडेंट है क्यों नहीं होगा तो रडफोड का नाम क्यों आया इस एक्सपेरिमेंट में बिकॉज रडोड ने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए कहा था इसलिए रडाफोर्ड का नाम आया था ठीक है 43 थ्री वॉचिंग थर्टी नाइन लाइक्स कुड भी इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइक्स ठीक है अब यहां पर जो हीलियम एट पार्टिकल्स थे ना जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स ट्रैवलिंग एट स्पीड सेवन थाउजेंड किलोमीटर था लेकिन हाँ रेडियम वॉज यूज बाय अमीर इंसान था उसके पास बहुत सोर्स था बहुत फैसिलिटीज थी इसलिए रदरफोर्ड वॉज एबल टू डू द एक्सपेरिमेंट विद हीलियम ठीक है आदित्य बेटा आप ब्लॉक हो जाएंगे ठीक है पढ़ाई पे ध्यान दो और किसी चीज पर नहीं नाउ स्लिट्स वर यूज्ड टू गेट अ फाइन बीम एंड एट एनी पार्टिकल द अल्फा पार्टिकल एट एनी पॉइंट वाज डिटेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर जिंक सल्फाइड स्क्रीन जिंक सल्फाइड स्क्रीन इज एबल टू शो सिंटिलेशन ठीक है तो जहां कहीं भी ये अल्फा पार्टिकल टकरा रहा था वहां पे एक स्पार्क एक एक ब्राइट स्पॉट क्रिएट हो रहा था और वो ब्राइट स्पॉट को काउंट किया जा सकता है अब एक बात का ध्यान रखना अल्फा पार्टिकल स्ट्रीम में नहीं आते एक एक करके आते हैं तो इसलिए आप अल्फा पार्टिकल्स को एक्चुअली काउंट कर सकते हो वेन अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक द स्क्रीन अ ग्रीन फ्लैश इज गिवन आउट तो जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं काउंट कर सकते हैं अब यहां पर यह था कि 99.9 परसेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट ठीक है 19 आउट ऑफ 20,000 थाउजेंड वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है एंड वन आउट ऑफ 20,000 थाउजेंड वॉज डिफ्लेक्टेड बाय द एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री ये सब आपको याद है ना आनंद उन्नी कृष्ण बेटा चार्ज को ऑफ कर दो टैच्स ऑफ करना बहुत आसान है आपके लिए वाई डॉन्ट यू स्विच इट ऑफ फोर्टी एट वॉचिंग फोर्टी लाइक्स अरे यार अब तक तो सिक्सटी लाइक्स हो जाने चाहिए चलिए ऑब्जर्वेशन क्या थे अल्फा पार्टिकल्स के अल्फा पार्टिकल ऑब्जर्वेशन थे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स यानी कि नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट पास विदाउट थ्रू द फॉइल विदाउट अंडर गोइंग एनी डिफ्लेक्शन फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अंडरवेंट स्मॉल डिफ्लेक्शन स्मॉल डिफ्लेक्शन का मतलब है लेस दैन नाइन्टी डिग्रीज ठीक है बट वन आउट ऑफ ट्वेंटी थाउजेंड ट वॉज रिफ्लेक्टेड बाय एंगल ऑफ मोर देन नाइंटी डिग्री यानी कि नाइनटी डिग्री से बड़ा है ठीक है और इट इज लेस देन वन एट्टी डिग्री यानी कि अप्रोचिंग वन एटी बेटा कई बार लोग कहते हैं एल्वा पार्टिकल अपना पाथ रिट्रेस कर लेगा तो फिर वह ऑब्जर्व नहीं होगा इज इट ओके तो इट वॉज ग्रेटर दैन नाइन्टी डिग्री बट लेस देन वन एट्टी डिग्री तो इसने पाथ को रिट्रेस नहीं किया था इज इट ओके चलो अब रदरफोर्ड की स्टेटमेंट क्या थी ऐसे एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद रदरफोर्ड इतना शॉक्ड हो गया था देखो अगर एक तरबूज के ऊपर गोलियां मारी जाएंगी तो ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है कि कि तरबूज से टकरा के गोली तुम्हें मार देगी तो रदरफोर्ड अपनी स्टेटमेंट ये थी मोस्ट इंक्रेडिबल इवेंट दैट एवर सरप्राइजिंग एज इफ यू है फिफ्टीन इंच बड़ा तोप का गोला एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट केम बैक एंड हिट यून बाय टू थाउजेंड नहीं है, one by है पवन कुमार वन बाय टू थाउजेंड नहीं वन बाय ट्वेंटी थाउजेंड है मतलब की ट्वेंटी थाउजेंड अल्फा पार्टिकल जब टकरा रहे हैं उसके गोल्ड फॉइल से तो उनमें से एक नाइनटी डिग्री से ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है ठीक है कहने का मतलब यह है कि गोल्ड फॉइल में अगर बीस हजार हिस्से किए जाए तो नाइनटीन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड नाइनटी नाइन खाली है सिर्फ एक भरा हुआ है इसका मतलब यह है ओके चलो रोड ने क्या कंक्लूजन निकाले उसके कंक्लूजन ये थे वो ये एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स वन अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन्स अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट ऑल द मास पूरा का पूरा मास ऑफ द एटम उस न्यूक्लियस में है ठीक है और फिर हमारे पास एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते अब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना रदरफोर्ड ने नहीं कहा था डाफोड ने बस इतना कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द एस्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट लेकिन किसी ने उससे पूछा कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में तो वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते तो रदरफोर्ड ने जवाब दिया प्लैनेट्स भी तो सन के आसपास है लेकिन सन में नहीं गिरते रदरफोर्ड नेवर सेट दैट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व बट पीपल दे इन फर्ड की रदाफोर्ड ने क्योंकि प्लैनेट्स की एनालॉजी ली है तो प्लैनेट्स की तरह इलेक्ट्रॉन शुड बी रिवॉल्विंग

एट द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस ये तो हमने बना दिया ना कि इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ठीक है तो अब उसने निकाला द रेश ऑफ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस टू एटम वॉज वन इन टू इज टू टेन रिस्पार फाइव मतलब कि अगर न्यूक्लियस एक सेंटीमीटर का है तो एटम एक किलोमीटर का होगा क्योंकि रिमेंबर वन किलोमीटर इज़ इक्वल टू सेंटीमीटर आप सोच सकते हो कि अगर न्यूक्लियस एक सेंटीमीटर का है यानी कि एक मटर के दाने के बराबर है तो एटम एक किलोमीटर का है और बीच में सारा हिस्सा खाली है तो दिस इज द एम्प्टीनेस इन एन एटम समझ में आ गई ये बात ठीक है George, it's going to. Bitter zinc sulfate, nahin. zinc sulfide. Santosh Verma, ZnS, ZnSO4, not. Okay. Yar, forty-three likes. Why are we Increase the number of likes. Okay. Now, a more thing. The electrons are not stationary, but revolve around the nucleus in. सर्कुलर ऑर्बिट्स इन सर्टेन सर्कुलर ऑर्बिट्स ये वैसे सर्टेन वाली बात तो बोहर ने कही थी रदफोर्ड ने नहीं ठीक है तो यहां पर रदफोड की बात हम हमने कहा तो रडफोड के बारे में हमने ये कह दिया कि भाई रदफोड ने यहां पर बना दिया एक सेंट्री फ्यूगल फोर्स विच बैलेंसेज द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ठीक है और एक बात याद रखना कल हम करने वाले हैं अटोमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चन तो उन क्वेश्चन को जरूर करना वो क्वेश्चन हम करेंगे मेटी पर दैट क्लियर तो पार्टिसिपेट भी कर सकते हो तो यह है हमारे पास रद गोल्ड फॉल एल्फा पार्टिकल स्टैटिंग एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट और इस तरीके से एटम का स्ट्रक्चर दिख जाता है एम्टिनस क्या बोला जाता है पवन कुमार एम्पटीनस का मतलब होता है खाली जगह वैक्यूम यहां पर कुछ भी ना हो ठीक है हाँ गया आपका सेशन आपका ओके okay. अब इस ऑब्जर्वेशन से प्लम पुडिंग मॉडल तो हो गया शार्टर ठीक है अब रोड के मॉडल क्या ड्रॉबैक थे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी एंड एक्सुलेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दस लूज एनर्जी और अगर वो एनर्जी लूज करता है इलेक्ट्रॉन चार्ज है और मूविंग इन द सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट का मतलब है कॉन्स्टेंटली एक्सुलेटेड मोशन तो यहां पर वो एक्सुलेट होगा तो इट मस्ट लूज एनर्जी एंड स्पायरल इन टू द न्यूक्लियस अब कैलकुलेशन ये बताते हैं कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कलप्स इज टेन रिस्ट माइनस एट सेकेंड्स यानी कि जीरो पॉइंट जीरो वन माइक्रो सेकेंड्स अब इतनी देर में जितने अगर यहां पर स्लाइड चेंज करने में जितना टाइम लगा रहा हूं ना उतने टाइम में तो पूरा का पूरा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा लेकिन यूनिवर्स अभी तक कोलैप्स हुआ नहीं है तो इसका मतलब है रदरफोर्ड का ये सिस्टम गलत हो जाता है इलेक्ट्रॉन कैन नॉट रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स विदाउट एमिटिंग द रेडिएशन और साथ ही साथ लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन को यह मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर सकता इस मॉडल के हिसाब से द स्पेक्ट्रा शुड बी कॉन्टिन्यूअस ये बात याद रखना इसका क्वेश्चन बन सकता है यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल स्पेक्ट्रा शुड बी कॉन्टिन्यूअस ये बात ध्यान रखना ठीक है क्लियर तो यहां पर इस मॉडल के हिसाब से स्पेक्ट्रा शुड बी कॉन्टिन्यूस वना कुमार वर्मा बेटा मंटी भी आठ बजे होगी ठीक है अब एक छोटा सा क्वेश्चन है गोल्ड की डेंसिटी है नाइन पॉइंट टू वन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब नियर अबाउट ट्वेंटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हो इमेजिन करो एक गोल्ड स्पेयर ऑफ डायमीटर वन किलोमीटर इसका मास कैलकुलेट करो और इमेजिन करो कि इस मास को हम एक फेयर में डाल दें एक सेंटीमीटर के तो क्या उस फेयर की डेंसिटी निकाल सकते हो आप कैन यू क्रिश जो लोग बोलते हुए हकलाते हैं वो गाते हुए हकलाते नहीं है समझे ये जो बोलते हुए हकलाने वाला जो प्रॉब्लम है ना वो कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है ठीक है वो सोचते हुए नहीं हकलाते और अगर ये मजाक में आपने पूछा था तो अच्छा क्वेश्चन नहीं है डेंसिटी ऑफ दिस फेयर टू बी ट्वेंटी बिलियन टन पर सेंटीमीटर क्यूब नाउ दिस इज द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये न्यूक्लियस की डेंसिटी है इज दैट क्लियर ठीक है ओके चलिए लेट्स टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करते हैं तो वेन द लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म और अ डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब क्या है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का मतलब है बहुत बहुत फाइन स्लिट्स लगातार जो स्लिट्स होती हैं। इट्स स्पलिट्स इनटू कॉन्स्टुंट कलर्स और वेव लेंथ अब इसको अगर स्क्रीन या फोटोग्राफिक प्लेट पर लिया जाए तो यह बन जाएगा स्पेक्ट्रा ठीक है डिफ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो बेंडिंग ऑफ द वेव राउंड कॉर्नर सो दैट द रीच द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन इज नोन एज डिफ्रैक्शन ठीक है डिफ्रैक्शन डिपेंड करता है वेवलेंथ ऑफ लाइट पर प्रियांशु पाड़िया बेटा पूछ लो सोच क्या रहे हो ठीक है ओके तो इसीलिए हम डिफ्रैक्शन को यूज कर सकते हैं टू स्प्लिट द लाइट अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ अ सीरीज़ ऑफ स्लिट्स इज कॉल्ड अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ये एक प्रिज्म की तरह से वर्क कर सकती है उसे हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बोलते हैं ठीक है और एक जो सीडी होती है ना कॉम्पैक्ट डिस्क या फिर एक डीवीडी वो एक डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह से वर्क कर जाती है ठीक है अब हम जरा स्पेक्ट्रा क्लासिफिकेशन कर लें। वेवलेंथ किसकी मैक्सिमम होती है रेड की बेटा रेड की वेवलेंथ स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा होती है अब स्पेक्ट्रा को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं एक ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सोर्स और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ऑब्जर्वेशन कि वो कैसा दिखाई दे रहा है एक तो कैसे बनाया गया है और दूसरा कैसे दिखाई दे रहा है तो दो तरीके से हम स्पेक्ट्रा की बात कर सकते हैं ख्यार? बोहार सर फैन बोहार सर फैन का क्या मतलब है ठीक है सबसे पहले हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं कि कैसा हमें स्पेक्ट्रा दिखाई दे रहा है जब स्पेक्ट्रा के देखने की बात करते हैं तो हमारे पास एक स्पेक्ट्रा आता है और एक लाइन स्पेक्ट्रा आता है तो कॉन्टिन्यूस और बैंड स्पेक्ट्रा का मतलब यह है कि हमारे पास बहुत सारी लाइन्स है मतलब कि आप डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग को के थ्रू इसको पास कीजिए एंड देन यू गेट द एंटायर रीजन विच इज इल्यूमिनेटेड पूरा का पूरा रीजन आपको भरा हुआ दिखाई देता है कुछ भी आपको खाली दिखाई नहीं देता ठीक है ओके जगन्नाथ दोलाई बेटा ये आप जो फॉर्मूला लिख रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है ये तो नंबर ऑफ लाइंस इन स्पेक्ट्रा की बात आ जाती है व्हेन अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर लेवल टू द ग्राउंड लेवल या फिर एन वन से एन टू से एन वन पर जाता है ठीक है तो इसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा या बैंड स्पेक्ट्रा बैंड स्पेक्ट्रा इज गिवन बाय व्हाइट लाइट तो जिस लाइट का बैंड स्पेक्ट्रा आता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा आता है उसको व्हाइट लाइट कहा जाता है ठीक है यह बात समझ में आ गई सनलाइट का स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस है और सनलाइट को हम व्हाइट लाइट कहते हैं ओके लाइक कर देना भाई फोर्टी 48 पे क्यों अटका दिया आप अब हमारे पास आ जाता है दूसरा स्पेक्ट्रा जिसे हम कहते हैं डिसकॉन्टिन्यूअस या फिर लाइन स्पेक्ट्रा बेटा यहां पे सिर्फ सुनते चले जाओ आज के सेशन को और आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा अगर आप एनसीईआरटी बुक खोलकर बैठेंगे तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से हो जाएगा ओके ठीक है अब हम बात करते हैं डिस्कॉन्टिन्यूस या फिर लाइन स्पेक्ट्रा की स्पेक्ट्रा इन विच डिस्क्रीट लाइन आर सेपरेटेड बाय डार्क रीजन आर टर्म्ड एज द डिस्कॉन्टिन्यूअस और द लाइन स्पेक्ट्रा क्लियर इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है यानी कि एटम्स का लाइन स्पेक्ट्रा होता है जैसे कि हाइड्रोजन डिस्चार्ज ट्यूब का जो स्पेक्ट्रा होता है ना वो एक लाइन स्पेक्ट्रा या फिर सोडियम वेपर लैंप की बात करें सोडियम वेपर लैंप कौन सा होता है येलो कलर का जो स्ट्रीट लैंप होता है उसे सोडियम वेपर लैंप कहा जाता है ओके okay? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ दो लाइनें होती हैं डबलेट ये फिर 48 पे ही क्यों अटका पड़ा है यार कहां गए ये 48 से ऊपर क्यों नहीं जा रहा ओके okay? अब सोर्स के बेसिस पर भी हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं एक एमिशन स्पेक्ट्रा और एक जिसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एमिशन स्पेक्ट्रा का मतलब यह है कि हम किसी एनर्जी ऑब्जेक्ट को एनर्जी देते हैं और वो ग्लो करता है इन एनी फॉर्म अदर देन लाइट मतलब कि हम उसको एनर्जी देते हैं किसी भी फॉर्म में लाइट के अलावा अब लाइट के अलावा लाइट में भी देंगे तो भी वो ग्लो कर सकता है बट लाइट हम जो दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा ब्राइट है तो ग्लो नजर नहीं आएगा तो इसलिए हम जब एमिशन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं वी टॉक अबाउट द एनर्जी इन एनी फॉर्म अदर देन लाइट ठीक है तो वो ग्लो करता है अब जो लाइट निकलती है उसको हम एमिशन स्पेक्ट्रा बोलते हैं अभी तो बहुत इजी सा है जैसे कि अगर हम किसी भी चीज को हीट कर दें या फिर इलेक्ट्रिक करंट पास कर दें किसी सब्सटेंस के थ्रू इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो ग्लो करने लगता है तो दैट इज द एमिशन स्पेक्ट्रा ठीक है वॉट इज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यह कि एक चीज के लिए कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उस चीज के लिए स्पेसिफिक मतलब कि उस स्पेक्ट्रा को देख के आप ये बता सकते हैं कि वो कौन सी चीज है तो दैट इज वॉट वी कॉल एज कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा ज क्लियर तो यह होता है कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा ओके अब इसको जब लिया जाता है तो यह हमारा पास एमिशन स्पेक्ट्रा हो जाता है एब्जॉपशन स्पेक्ट्रा में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्या होता है एब्जॉप्शन स्पेक्ट्रा का मतलब यह है कि किसी सबस्टेंस के थ्रू आपने लाइट को पास किया और लाइट को पास करके आपको कुछ लाइट उसमें उसने एब्जॉर्ब कर ली और बाकी लाइट को निकाल दिया तो वो कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ठीक है इज इट क्लियर तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ जाता है एमिशन स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दिया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का एग्जाम्पल तो सनलाइट है सनलाइट एक्चुअली इज एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ठीक है

अब एक बात का ध्यान रखना अगर एक ही सब्सटेंस का हम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा दोनों की बात करें तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि एमिशन स्पेक्ट्रा में जो लाइन प्रेजेंट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में वही लाइन गायब हो जाएंगी तो दैट इज वॉट वी कॉल एज द एमिशन स्पेक्ट्रा एंड बींग कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर ठीक है तो फ्रीक्वेंसीज लिमिटेड इन एमिशन स्पेक्ट्रा आर फ्रीक्वेंसीज मिसिंग इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा Is that clear? तो ये हमारे पास एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा सामने दिखाई दे रहा है यहां पर हमारे पास ये एक एक्साइटेड सैंपल है तो यहां पर हमने इसको एनर्जी दी तो ये ग्लो करने लगा इसको हमने एक स्लिट के थ्रू पास किया प्रिज्म के थ्रू पास किया और हमें यहां पर ये लाइंस मिल गई ये एक लाइन है ये दूसरी लाइन है ये तीसरी लाइन है ये चौथी लाइन है तो इस तरीके से ये लाइंस मिल गई हैं, ये लाइंस ठीक है अब ये है इस स्पेक्ट्रा का नाम है एमिशन स्पेक्ट्रा दिस इज एमिशन ठीक है अब यहां पर हमने ये लिया व्हाइट लाइट का सोर्स दिस इज द सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट अब इस व्हाइट लाइट के सोर्स को हमने एब्जॉर्बिंग सैंपल के थ्रू डाला ये हमारे पास सैंपल है ये स्लिट है अब इसको प्रिज्म से निकाला तो अब ये देखो ये एसेस तो कंटिन्यूस है यहां पे पूरा लेकिन बीच में ये डार्क रीजन है ये डार्क रीजन है और ये डार्क रीजन देख रहे हो बिल्कुल कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं जहां पे लाइंस पहले आ रही थी तो दैट इज हाउ इट इज द एब्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ठीक है तो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा के अंदर हमारे पास गैप आ गए हैं इज दैट क्लियर तो ये हमारे पास है वाइट लाइट ये हमारे पास है मिशन और ये हमारे पास है एब्सॉर्बन इज दिस क्लियर सो दीज आर द स्पेक्ट्रा बासु कंकलवाल कंकनवाडी रेनबो इज एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा ठीक है वन लाइक्स लाइक्स इंक्रीज हो सकते हैं करो ओके okay ये है हमारे पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब तो दिस इज व्हाट वी फाइंड एज द गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऐसी होती है ठीक है यहां पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है ये हमारे पास ड्यूट्रियम है ये हमारे पास नाइट्रोजन है ये ऑक्सीजन है ये हमारे पास मर्करी है तो कैन यू सी द डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कलर्स। और मजेदार बात ये है कि हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम का स्पेक्ट्रा भी डिफरेंट है कैन यू सी दैट ओके चलिए ये है हमारे पास गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स यहां पे हमारे पास अलग अलग डिस्चार्ज ट्यूब्स का कलर है जेनॉन का नियॉन का क्रिप्टन का आर्गन का हीलियम का। so हम बात करते हैं हाइड्रोजन की सीरीज की जब हाइड्रोजन को हम बाल्मर सीरीज की बात हैं जब हाइड्रोजन लाइट को प्रिज्म के थ्रू पास किया गया तो चार लाइनें ऑब्जर्व हुई ठीक है यहां पर इसे बोल दिया गया एच अल्फा इसको बोला गया एच बीटा ये था एच गामा और ये था एच डेल्टा ठीक है तो ये एच अल्फा बीटा गामा डेल्टा वर द नेम ऑफ द लाइंस विच वर ऑब्जर्वड इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ठीक है ओके okay. इसको देखकर बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया विच इज नोन एज द बाल्मर्स फॉर्मूला उसने कहा यह है वेव नंबर दिस इज वेव नंबर वेव नंबर क्या होता है वन बाय लामडा अब लामडा क्या है वेव लेंथ ठीक है बालमर्स फॉर्मूले में उसने कहा कि अगर हम वेव नंबर निकालना चाहते हैं तो वेव नंबर इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय टू स्क्वायर माइनस वन बाय एन स्क्वायर बालमर के फॉर्मुले में ये टू स्क्वायर है इज दिस क्लियर एन इज एन इंटीजर इंटीजर ग्रेटर दैन टू कोई भी हो सकता है थ्री फोर फाइव सिक्स हंड्रेड टू थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड कुछ भी हो सकता है बट एन इज एन इंटीजर ग्रेटर दैन टू इस तरीके से ही वॉज एबल टू गेट द लाइन्स ऑफ द बाल्मीरीज अब यहां पर स्पेक्ट्रल सीरीज की बात करें तो यहां पर हमारे पास कुल छह सीरीज है जैसे कि लाइमन सीरीज की बात करें लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलट में है ठीक है देन वी हैव द बाल्मीरीज रीजन बट एक आदि लाइन अल्ट्रावायलेट में चली जाती है देन वी हैव पाशन सीरीज जो कि इंफ्रारेड में है ब्रैकेट भी इंफ्रारेड में है फंड भी इंफ्रारेड में है हमफ्रे भी इंफ्रारेड में है तो हमारे पास टोटल छह सीरीज है जिसमें से एक अल्ट्रावायलेट में एक विजिबल में बाकी चार इंफ्रारेड में है दिस इज हाउ दीरीज आर ऑब्जर्व इस तरीके से हमें दिखाई दे जाती है तो दैट्स वॉट वी है स्पेक्ट्रल सीज ऑफ हाइड्रोजन इसके बाद आया रेडबर्ग फॉर्मूला रेडबर्ग ने एक थ्योरेटिकल और बहुत सिंपल फॉर्मूला दिया जिसमें उसने सारी सीरीज को ज्वाइन कर दिया ठीक है ये फॉर्मूला था वेव नंबर इज इक्वल टू आर ब्रैकेट वन बाय एन वन स्क्वायर माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर नाउ आर इज कॉल्ड द रेडबर्ग कांस्टेंट ठीक है अब रेडबर्क कांस्टेंट फॉर हाइड्रोजन इज 1.0967758 मीटर इनवर्स अब कुछ लोग लिखते हैं 1.09677 ये लिखते हैं सेंटीमीटर इनवर्स ठीक है कुछ लोग इसको सीधा सीधा 1.1 पॉइंट वन इंटू टेन रिस्ट पास सेवन मीटर इनवर्स लिख सकते हैं सेवन है ना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ठीक है या फिर सीधा सीधा टेन रिस्ट पार सेवन मीटर इनवर्स भी लिख दिया जाता है योर विश लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि अगर कभी यूज करने की जरूरत पड़ जाए तो पूरा यूज कर लेना कहीं ऐसा ना हो कि वन के चक्कर में ही गलती हो जाए ठीक है यस बालमर सीरीज इज द विजिबल सीरीज राज कोई दिक्कत नहीं है उसमें लाइक like कर दो दिफ्टी थ्री लाइक अटके पड़े हैं हमारे पास तो आर इज द कॉन्स्टेंट कॉल द रेडबर्ग कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू है मीटर इनवर्स अब यहां पर जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ द लाइंस इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कुड बी डिटरमाइंड वेरी एक्यूरेटली स्पेक्ट्रमीरेटली रिडबर्ग कांस्टेंट वाज एट दैट टाइम द मोस्ट एक्यूरेटली नोन कांस्टेंट इन फिजिक्स तो दैट्स व्हाट वी हैव एज द रेडबर्ग कॉन्स्टेंट चलिए अब स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं देखो एक बात का ध्यान रखना कोई भी स्पेक्ट्रल सीरीज जो है वो अपने एन वन से कैरेक्टराइज होती है ठीक है हमारे पास एन वन और एन टू है ना तो एन वन एन टू दे बोथ बिलोंग टू इंटीजर्स एंड एन वन इज लेस देन एन टू ठीक है एन वन कैरेक्टराइज द सीरीज कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है एन टू माइनस एन वन गिव दोजीशन ऑफ द लाइन इन दीरिज ठीक है जब n2 टू माइनस एन वन की वैल्यू वन होती है तो वो एच अल्फा होता है दैट इज द अल्फा लाइन जब n2 टू माइनस एन वन की वैल्यू टू होती है तो ये बीटा लाइन होता है जब ये थ्री होती है तो ये गामा लाइन है और ये जब फोर है तो ये डेल्टा लाइन है इज दैट क्लियर कोई कंफ्यूजन कोई बात नहीं मोहम्मद परवेज 109677 सेंटीमीटर इन्वर्स दे रहा है क्लियर नंदा अपार बेटा मैं तो देख रहा हूं आपके से आपके नेट आपके जो कमेंट्स हैं वो तो पढ़ रहा हूं ना उसका आंसर भी तो दे रहा हूं ओके okay, तो अगर हम लाइमन सीरीज की बात करते हैं तो लाइमन सीरीज का जो रीजन है दैट इज अब हमारे सीरीज कौन सी है लाइमन है बालमर है पाशन है ब्रॉकेट है फंड है और हमफ्रेज है ठीक है अगर रीजन की बात करें तो लाइमन इज अल्ट्रावायलेट बालमर इज विजिबल पैशन इन ब्रैकेट फंड एंड हम फ्राइज आर एन इन फ्रेड ठीक है अब एन वन की बात अगर हम करें तो लाइमन के लिए एन वन की वैल्यू वन है बालमर के लिए टू पैशन के लिए थ्री ब्रैकेट के लिए फोर फंड के लिए फाइव एंड हम फ्रेज के लिए सिक्स ठीक है एच अल्फा के लिए एन टू की वैल्यू क्या होगी प्लस वन ऑफ द एन वन कोई दिक्कत ठीक है ना ओके okay. और अगर हम इनफाइनाइट यानी कि फाइनल लाइन की बात करें तो वो इंफिनिटी हो जाएगी अब एक बात का ध्यान रखना एच अल्फा एंड एच इंफिनिटी दीज आर व्हाट वी कॉल एज सीरीज लिमिट्स ठीक है इन सीरीज लिमिट्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं मतलब कि एन टू की वैल्यू एक बार एल्फा डाल बार एक एन वन प्लस वन डाल दो और दूसरी बार इंफिनिटी डाल दो तो आप सीरीज लिमिट्स की बात कर सकते हैं रुपिंदर सिंह हाँ बेटा हम सीरीज भी होती है वो आपके कोर्स में नहीं है ओके okay. <laughs> यहां पे नंदा अपार मुझे कुछ कह रहे हैं ग्रेट बेटा तो आप इसलिए पढ़ रहे हो अब एक बार बात करो नंदा अपार जिस व्यक्ति से पढ़ रहे हैं तो आप क्या हो ठीक है चलो कोई बात नहीं वी डोंट बॉदर विद ये हमारे पास सीरीज लिमिट्स आ जाती हैं ठीक है डीज आर सीरीज लिमिट्स ओके ये एच अल्फा है हर सीरीज का और ये एच इंफिनिटी है एंड दीज आर व्हाट वी कॉल एज सीरीज लिमिट्स ठीक है ये हम इस तरीके से निकाल सकते हैं भाई देखो गुरु के पास शिष्य से अधिक ज्ञान होना चाहिए ठीक है अगर आपके गुरु अच्छे नहीं है तो आप क्या हो फिर वो भी सोच लो ठीक है ना चलो पढ़ाई पे ध्यान दो अब बात करते हैं जब ब्लैक बॉडी रेडिएशन की ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले हमें समझना पड़ेगा आखिरकार ब्लैक बॉडी क्या है ब्लैक बॉडी इज अ परफेक्ट एब्जॉर्बर एंड एमिटर ऑफ रेडिएशन परफेक्ट एब्जॉर्बर का मतलब यह है कि इसका एब्जॉर्बशन स्पेक्ट्रा इज परफेक्टली डार्क और अगर हम परफेक्ट एमिटर की बात करते हैं तो एमिशन स्पेक्ट्रा व्हाइट लाइट ठीक है अक्षय ठाकुर डोंट रिप्लाई अक्षय ठाकुर डोंट रिप्लाई डोंट ठीक है I would thank Nanda Apar that he honored us with his, val his or her valuable, say, valuable likes or dislikes and uh, So he honored us with his valuable likes and dislikes and his view. ठीक है। तो ये हमें समझ में आ जाता है कि उसका एमिशन ठीक है ओके तो इट्स परफेक्टली डार्क एंड इट्स एमिशन स्पेक्ट्रा इज व्हाइट लाइट ठीक है तो फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट लाइट आ जाएंगे तो इसका मतलब है इट इज व्हाइट लाइट तो अगर व्हाइट लाइट ब्लैक बॉडी पे पड़ेगा तो वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएगा तो स्पेक्ट्रा इज कंप्लीटली डार्क सिमिलरली अगर उसको एनर्जी दी जाए तो उसको किसी भी फॉर्म में एनर्जी दे दी जाए तो उसका जो स्पेक्ट्रा निकलेगा दैट विल बी द परफेक्ट वाइट लाइट ठीक है एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा आ जाता है राहुल बेटा ये पूरे के पूरे नोट्स पढ़ते चले जाओ साथ साथ एनसीईआरटी की बुक पढ़ते चले जाओ आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी इंग्लिश इंप्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका होता है टू रीड इट जितना आप पढ़ोगे उतनी आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती चली जाएगी ठीक है सो दिस इज वॉट वी हैव एज अ कंसेप्चुअल ब्लैक बॉडी कंसेप्चुअल ब्लैक बॉडी का मतलब यह है कि हमने एक ब्लैक स्पेयर लेके उसमें एक पिन होल ले लिया ठीक है तो लाइट जब उसमें पड़ रही है तो पूरी की पूरी अंदर ही ट्रैप हो गई है तो दिस इज दिस होल ये जो होल है ना दैट इज द ब्लैक बॉडी दिस इज द ब्लैक बॉडी ये पूरा ब्लैक बॉडी नहीं है ये होल ब्लैक बॉडी है क्लियर ठीक है अब अगर हम अब एमिशन की बात करें तो नियरेस्ट अप्रोक्सीमेशन वुड बी द सन क्योंकि सन के स्पेक्ट्रा में हमें सारी फ्रीक्वेंसीज मिल जाती हैं क्लियर हीटेड पीस ऑफ मेटल को हम नॉर्मली लेबोरेटरी में एक एज अ ब्लैक बॉडी ट्रीट कर लेते हैं तो उसके लिए जब हम एग्जांपल लेते हैं तो हम हीटेड पीस ऑफ मेटल ले लेते हैं और मेटल मोस्ट ऑफन टंगस्टन लिया जाता है टंगस्टन क्योंकि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो इसलिए टंगस्टन को नॉर्मली एज अ ब्लैक बॉडी लिया जाता है ठीक है अब कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में सबसे पहली बात है ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो ऑब्जेक्ट कौन सा है दो ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर सेम है तो उनका स्पेक्ट्रा भी सेम होगा ठीक है सर मैं इलेवेंथ क्लास में हूं कौन सा सब्जेक्ट रखा हूं मैं अभी टेंथ में हूं बट मैं समझ नहीं आ रहा है राहुल बेटा आपको जो सब्जेक्ट लेना है साइंस लेना आर्ट्स लेना कॉमर्स लेना जो आपको अच्छा लगता है वो ले लो ठीक है ओके okay. अब एक और बात एज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज़ इट एमिट्स मोर ब्लैक बॉडी एनर्जी एट ऑल वेवल यानी कि हर कलर की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी लेकिन एज द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस The peak wavelength of the black body spectrum becomes shorter. मतलब कि जैसे-जैसे temperature बढ़ता चला जाएगा, intensity of every color will increase, but the highest intensity color wavelength will decrease. ठीक है? मतलब कि color overall color blue की तरफ shift होता चला जाएगा, जैसे-जैसे temperature बढ़ता चला जाएगा. Okay? हेलो सलोनी कैसे हो बेटा राज दिवाकर इससे फास्ट क्या करेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे पहुंची भी है ठीक है ब्लू स्टार्स आर हॉटर देन रेड स्टार्स ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ऑलवेज बिकम स्मॉल एट द लेफ्ट हैंड साइड द शॉर्टर वेवलेंथ हाई फ्रीक्वेंसी साइड ठीक है तो ये हमने ब्लैक बॉडी वेवलेंथ की तरह से किया हाँ बेटा वो ब्लैक वो जो ब्लैक है जो 99.99999% नाइन परसेंट करता है उसको जो पेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा मांगते हैं ठीक है दिस इज द कूलेस्ट दिस इज द हॉटेस्ट ठीक है ना तो ये ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रा है जो गड़बड़ है आपके एनसीआरटी में है अब एक बात बहुत ध्यान से सुनो द इक्वेशन क्रिएटेड टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन बाय कंसिडरिंग लाइट एज अ वेव वॉज एबल टू गिव द दैटिस्फेक्ट्री रिजल्ट इन इंफ्रारेड ठीक है विजिबल में भी दे दिया बट इट फेल्ड इन अल्ट्रावायलेट रीजन एंड दिस वॉज टर्म्ड एज अल्ट्रावायलेट कैटास्क्राफ ठीक है भाई जितने लोग अभी हैं सेशन में वो लाइक तो कर दो This was known as ultraviolet catastrophe. The inability of the wave theory to explain the blackbody radiation in the ultraviolet region is termed ultraviolet catastrophe. Okay. energy of a wave according to classical theory depends only on intensity. This very important. Light is an exception to the waves. लाइट की जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है बाकी किसी वेव की एनर्जी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट नहीं होती इंटेंसिटी और एम्प्लीट्यूड डिपेंडेंट होती है इज इट क्लियर राहुल बेटा आकाश जो है बाइजूस का ऑफलाइन कोचिंग आर्म है थैंक यू ओके So it depends on the amplitude, which for sound would be loudness, for light will be brightness. But Max Planck, while studying the blackbody radiation, he found that the variation of the energy with temperature, he found the energy not only changed with intensity, it also directly dependent on the frequency of the radiation. Clear? Here it also depends on the frequency of the radiation. Ye,

थेके? With frequency of light. This observation suggested that light exists in the form of packet of energy which was known as quantum and which were termed photons. Okay. Planck's key quantum theory. And when we talk about this equation, E is equal to h nu. It relates wave and पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट तो ये वेव और पार्टिकल नेचर और लाइट को लिंक करता है इज दट क्लियर अब ये दोनों ऑब्जर्वेशन जो है वेव नेचर के अगेंस्ट है ही गेव अप फॉर्मूला विच एग्रीड वेरी क्लोजली विद एक्सपेरिमेंटल डेटा But the formula only made sense if he assumed that energy of a vibrating molecule was quantized. But look, light was quantized. Okay. Planck quantum theory. Planck considered light energy to be quantized. That is, it could only take on certain values. The energy would have to be proportional to the frequency of vibration. Good evening, Anaya. चिन्ह में आज मैंने गूगल मीट में लिंक नहीं भेजा आज बहुत सारी स्लाइड्स हैं तो गूगल मीट में करना मुश्किल है आज पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना है चैप्टर बहुत बड़ा है तो यानी कि टुकड़ों में आती है ऑफ द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड सर्टेन कांस्टेंट यानी कि ये हमारे पास इक्वेशन है प्लैंक्स कांस्टेंट और एच जो प्लैंक ने उस समय एज अ वेरिएबल दिया था ठीक है अब उस समय प्लैंक को भी अजीब लगा था कि ये क्या दे रहा है तो प्लैंक को लगा था कि प्लैंक में रियलाइज हाउ उसको लग रहा था कि वो मैथमेटिक्स को फज कर रहा है मैथमेटिक्स खेल रहा है जस्ट टू गेट द राइट आंसर तो कन्विंस था कि कोई और अच्छा एक्सप्लेनेशन दे देगा इस फॉर्मूले का अब प्लैंक के अपने शब्दों में स आई एम अफ्रेड इट्स अबमिट मोर कॉम्प्लीकेटेड दैन दैट सम एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट लाइक दिस वन सीम टू प्रूव बियॉन्ड ऑल पॉसिबल डाउट दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स अदर्स इंसिस्ट जस्ट एज इन रिफ्यूटेबली दैट इट इज वेवस क्योंकि लाइट की कुछ कैरेक्टर्स टिके जो पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन होती है और कुछ कैरेक्टर्स टिके जो सिर्फ वेव नेचर से एक्सप्लेन होती है तो बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता था बेटा एजुकेशनल वीडियो आप अपना क्वेश्चन पूछ लो लाइक जरूर कर देना वी कैन ओनली कंक्लूड दैट लाइट इज समाउ बोथ वेव एंड अ पार्टिकल और दैट इज समथिंग एल्स वी कांट क्वाइट विजुअलाइज अब प्रॉब्लम बताया क्या है हमारा कोई भी एक्सपेरिमेंट लाइट को दोनों तरीके से बता नहीं सकता ठीक है उसके वेव और पार्टिकल नेचर दोनों के बारे में नहीं बता सकता विच अपियर्स टू अस एज वन और द अदर डिपेंडिंग ऑन हाउ विल लुक एट इट प्लैंक ने एनर्जी ऑफ़ फ्रीक्वेंसी और एनर्जी ऑफ द वेव के बीच रिलेशन दिया ये हमारे पास प्लांक्स इक्वेशन हो गई दैट इज द प्लैंक्स equation. हां राजवा का पूरा चैप्टर आज ही खत्म करना है एजुकेशनल <laughs> वीडियो ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है उन्होंने पूछा है कि आज ये चैप्टर कौन सा हो रहा है वेरी ग्रेट वैसे मैं आंसर देता हूं टूडेज चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया प्लैंक्स का

डी डीप्रॉगली इक्वेशन ये नहीं है डीप्रॉगली इक्वेशन पार्टिकल की ड्यूअल नेचर पर है लेट्स टॉक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छा ये क्या है ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है जिसका यूज किया गया था इस एक्सपेरिमेंट में पता नहीं आपने सुना है देखा है या नहीं देखा इसको एजुकेशनल वीडियो कह रहे हैं सर एमएससी सर एमएससी एम नॉट एमएससी मैं मेरी क्वालिफिकेशन एम एस सी है मेरा नाम एम एस सी नहीं है ग्रेट वाग मारे अगर तुम्हारा सिक्स ट्वेंटी थ्री आ रहे थे तो, तो बहुत अच्छा स्कोर है इट हेड बीन फाउंड बाय हर्ड्स कि अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट को फोकस करते हैं ऑन अ मेटल सर्फिस तो सर्फिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ठीक है तो अल्ट्रावायलेट लाइट को अगर हम फोकस करते हैं किसी मेटल सर्फिस के ऊपर तो दैट मेटल सर्फिस बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ठीक है तो दैट इज अ टिपिकल प्रॉब्लम कि वो पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो जाता है ये होता है क्यों क्योंकि इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज निकल रहा है और निकलता क्यों है ये इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं ठीक है यार लाइक कर दो हा इट वॉज शोन दैट दिस चार्ज वॉज कैरिड अवे बाई इलेक्ट्रॉन पहले तो इसको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा था फिर वहां पर कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन है इनमें कोई फर्क नहीं है ने डिस्कवर किया कि अगर इंसुलेटेड जिंक प्लेट को अगर गोल्ड लिफ्ट इलेक्ट्रोस्कोप से लिंक कर देते हैं और नेगेटिवली चार्ज कर देते हैं तो यह नेगेटिव चार्ज लूज हो जाता है इट लूज द नेगेटिव चार्ज When a beam of ultraviolet light is directed on the plate. To explain this observation, they said that metal surface loses negative charge due to ejection of electron from its surface by the ultraviolet light. This effect was called the photoelectric effect. No beta एक सौ में एससी में भी आपको एम्स नहीं मिलेगा ठीक है दैट्स वी हैव एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट रेड डालोगे तो कुछ नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली दैट वैन लाइट शाइन्स ऑन द मेटल सर्फेस द एम एमिट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर एग्जाम्पल आप लाइट डालकर सर्किट में ये इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट कर सकते हैं ऑन द मेटल प्लेट The light is made up of electromagnetic waves and on the waves carry energy. So if a wave of light hits an electron, one of the atoms of the metals to wo enough energy kar, se electron go eject karwa sakta hai. This ejection of the electron from the surface of the metal foil when light of some appropriate frequency is incident on them is termed photoelectric effect. और ये जो अप्रोपरेट फ्रीक्वेंसी है ना इसे बोला जाता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ठीक है द अप्रोपरेट फ्रीक्वेंसी इज टर्म्ड एज द थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी any problems okay the electrons emitted were called photoelectrons okay J. J. ने शो किया था कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी इलेक्ट्रॉन्स अब यहां पे इंसिडेंट लाइट है मेटल सरफेस से इजेक्ट होता है और ये दिखता है हमें एज अ फोटो इलेक्ट्रॉन एक वर्ड है जिसे हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल मीनिंग ऑफ इज गलो एमसी स्क्वायर बेटा वो फिजिक्स में यूज कर लो दैट इज एनर्जी इक्विल्स ठीक है ओके स्नैप्स बेटा अलग अलग स्लाइड में इतना थोड़ा थोड़ा आता रहता तो अच्छा है मुझे अच्छा लगता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है? The potential that must be applied, मैं अपने आप को गायब कर तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रीचिंग द कलेक्टर प्लेट इज टर्म एज स्टॉपिंग पोटेंशियल ठीक है इट मेजर्स द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन ठीक है जब रेडिएशन एमिटर पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन रिलीज फ्रॉम एमिटर एंड दे फॉल ऑन द कलेक्टर अब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं कलेक्टर से बैक टू द एमिटर थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट अब अगर आप एक्सटर्नल सर्किट में ऑपोजिट पोटेंशियल लगा दो तो ये इसको रोक देगा और ये एक इलेक्ट्रिक करंट नहीं बन पाएगा अब एम से जो हमने यहां पे लगा रखा है दिस इज द एम मीटर अगर एम मीटर को अगर हम बात करते हैं तो एम मीटर मेजर द करंट और ये बताता है कितने इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है तो जरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम ऑब्जर्वेशन की बात करें और कैरेक्टरिस्टिक की बात करें ठीक है तो पहली बात तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड इंस्टेंटली एज द लाइट स्ट्राइक्स द एमिटर प्लेट इट कैन बी वेरीफाइड बाय यूजिंग फ्लैशेस ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ द बीम ऑफ लाइट ओके फ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन थ्रेश फ्रीक्वेंसी द फोटो इलेक्ट्रोल इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व वॉट एवर विदिटी मतलब कितना ही ब्राइट कर लो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे अगर फ्रीक्वेंसी जो थ्रेश होल्ड है उससे कम है मतलब कि अगर मान लीजिए आपने इंफ्रानेट डाल दिया और इंफ्रानेट से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे तो इंफ्रानेट कितना ही इंटेंस कर लो वह गर्म भले ही हो जाए लेकिन उसमें से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट नहीं होगा ठीक है ओके okay. अब हम बात करते हैं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी की द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट द लाइट मस्ट पोजेस फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू बी ऑब्जर्व इज टर्म्ड थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी ठीक है अगर हम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी को के ऊपर रखते हुए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करंट इंक्रीज होता जाता है लेकिन जब स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम रहेगा मतलब कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी लेकिन करंट बढ़ता चला जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा इजेक्ट होते चले जाएंगे ठीक है विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट द स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस जितना इंटेंसिटी ये फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा हो जाएगा इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इज द कानेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टेम्परेचर से अफेक्ट नहीं होता इनमें से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है ठीक है यह पूरा एटोमिक स्ट्रक्चर कवर कर रहा है कहीं से भी है, किसी भी लेवल का ठीक है वर्क फंक्शन इज द मिनिम एनर्जी रिक्वायर टू जस्ट इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मेटल फॉइल इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन यह हमारे पास एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक डायग्राम आ जाता है मतलब ये कि यहां तक इस जगह तक तो एमिशन ही नहीं होगा यहां से एमिशन स्टार्ट होगा ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे पहले एमिशन ही नहीं होगा ओके okay? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ वी कंसिडर लाइट टू बी अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स यानी कि लाइट को अगर हम पार्टिकल नहीं मानते तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना पॉसिबल ही नहीं है ओके okay? अब प्लांक्स के वर्क के ऊपर बेस्ड आइंस्टाइन ने प्रपोज किया लाइट डिलीवर्स एनर्जी इन चंक्स लाइट वुड देन कंसिस्ट ऑफ लिटिल पार्टिकल जिनको क्वांटा या फोटोन कहा गया अब इसकी एनर्जी को प्लैंक्स कॉन्स्टेंट से निकाला गया इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वुड मेक अ डिफरेंस इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अब यहां पर हमारे पास आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वुड स्टिल अक नो मैटर विच यूज करेक्ट लेकिन एक बात का ध्यान रखना अगर लाइट वॉज अ वेव तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंस्टेंटेनियस नहीं होता ठीक है

तो ये बात ध्यान रखना चाहिए हमें एनर्जी कंटेंट इन अ वेविंग फ्रेश और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द वर्क फंक्शन अब इसमें से जो भी एनर्जी आ रही है इंसिडेंट लाइट की उसमें से कुछ राज दिवाकर इतना डर गए क्या इससे Hi, you are watching everybody is watching here as revision. So slide Some of the energy of the incident wave is used as work function to release the electron, hence if nu naught be threshold frequency of incident light, then phi is equal to h nu naught. ठीक है E की वैल्यू एच नी है तो हमारे पास ई इज गल के ई प्लस फाइव और काइनेटिक एनर्जी इज गल ई माइनस फाइव ठीक है एक मिनट रुको हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है सो दैट्स वॉट वी हैव एज द आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हम्म चल रहा है लेक्चर तो चल रहा है अभी यार ये दस बजे तक तो खत्म होगा नहीं चलो कोई नहीं दस बजे तक जितना हो सकता है उतना तो करें कानेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी इंटेंसिटी आप अगर बढ़ा भी दोगे तो कानेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा okay it does not depend on the intensity of the radiation all the number of ejected electrons will increase with the intensity breaker vario beta abhi se?

कुछ नहीं कुछ नहीं कर रहा हूं एक मिनट रुको विल we'll ट्राई कि इसको थोड़ा सा और लोगों को पूरा अच्छा नहीं लग रहा ना पानी वगैरह पी लो अभी और लाइक कर दो Hmm. तो ये हमारे पास आ गया अब थोड़ा सा ज्यादा अच्छा दिख रहा है ना तुम्हें वो चेंज होता हुआ अच्छा नहीं लग रहा था अब ये नोट कर लेना कि कैनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन ऑल्दो द नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इंटेंसिटी अब इस फिनोमिन सच एज रेक्टीनियर प्रोपगेशन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एटसेट्रा इंटरैक्शन ऑफ रेडिएशन टेक्स प्लेस नीदर विद इट सेल्फ नॉर विद मैटर मतलब कि यहां पर ना तो अपने साथ इंटरैक्ट कर रही है लाइट ना किसी मैटर के साथ इंटरैक्ट कर रही है ऐसे फिनोमिन को हम किसी से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम इसको एज अ वेव नेचर से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं ठीक है और हम इसको उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं पार्टिकल नेचर से भी लेकिन अगर हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करें या कॉम्पटन इफेक्ट की बात करें तो इट कैन बी एक्सप्लेन ओनली इफ द लाइट इज कंसिडर अप ऑफ पार्टिकल्स ऑन द अदर हैंड अगर हम डिफ्रैक्शन की बात करें इंटरफेरेंस की बात करें पोलराइजेशन की बात करें तो इट कैन बी एक्सप्लेन ओनली बाय द वेव कैरेक्टर तो ये हमारे पास एक पिक्यूलर सी बात आ जाती है कि हम इनको ऐसे ही एक्सप्लेन कर पाएंगे अब लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल लेकिन डबल स्लेट एक्सपेरिमेंट भी हमारे पास है इंटरफेरेंस भी हो रहा है तो जरा दिक्कत आ जाती है कि लाइट को हम क्या माने ठीक है वेव और पार्टिकल के बीच में डिफरेंस है एनी पार्टिकल हाउ लार्ज इट माइट बी कैन ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड एज अ पॉइंट पार्टिकल कैन बी प्रेजेंटेड ओनली वन पॉइंट एट अ टाइम टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर अ पार्टिकल टू पास थ्रू ऑल द पॉइंट ऑन द पाथ ठीक है लेकिन अगर वेव की बात करें ना वेव ऑलवेज हैज अजन माई पी एफ पी से नथिंग सर आप तो बस इन लाइनों को इंग्लिश में बोल रहे हो बेटा इंग्लिश में लिखी इंग्लिश में ही बोल रहा हूं अच्छा हिंदी में बोल रहा हूं मैं समझा रहा हूं तुम पूछ लो मुझसे मैं बता दूंगा दोबारा सब पॉली एटोमिक एस ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्मल स्टेबिलिटी अरे पॉली एटॉमिक नहीं बेटा ऑक्सी सॉल्ट की थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप बढ़ती है ठीक है ओके okay. भाई देखो यहां पे हो रहा है क्विक रिवीजन। तो रिवीजन के लिए आप अगर यहां पर हैं तो आप यहां पर बिल्कुल सही जगह पर लेकिन एक बात का ध्यान रखना यहां पर बहुत कुछ है वेव में हमेशा एक रीजन होता है कभी एक पॉइंट नहीं होता वेव के लिए हम कभी नहीं कह सकते इस पॉइंट पर है वेव हमेशा एक रीजन में होता है और वेव एक साथ कई जगह प्रेजेंट हो सकता है एक ही टाइम पे कई जगह और वेव एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पर मूव कर सकता है बिना बीच में हुए डिफ्रैक्शन की बात करें डिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ वेव राउंड कॉर्नर सो दैट द रीच द ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन दैट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन अब ज्योमेट्रिकल शेडो रीजन का मतलब क्या है कि हमारे पास ये पॉइंट है यहां से लाइट ऐसे जा रही है यहां पर यह स्लिट है ठीक है अब होता यह है कि हमें लाइट यहां पर भी नजर आ जाती है यह जो बेंड हुई है ना लाइट इसे डिफ्रैक्शन कहते हैं द बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स इज टर्म्ड डिफ्रैक्शन क्लियर इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस इज द इन वे रीजन सिमिलर एनर्जी मर्ज विद ईच अदर या या तो वो बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं हैं इंटेंसिटी कम कर कंस्ट्रक्टिव हो जाता है डिस्ट्रक्टिव भी हो जाता है तो इंटरफेरेंस हमारे पास दो तरीके है कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ठीक है जब क्रस्ट और ट्रफ एक साथ मैच कर जाते हैं तो उसे हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और जब क्रस्ट और क्रस्ट मैच कर जाते हैं तो उसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ओके okay? तो ये हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चलिए अब आ जाते हैं बोहर मॉडल पर बेटा एक काम करते हैं ना एक और सेशन ले, ले लेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर ठीक है बोहर्स मॉडल की बात करें अकॉर्डिंग टू रोड इलेक्ट्रॉन कुड हैव एनी एनर्जी एंड वेन इट मूव ट्रांजिशन कुड एब्सॉर्ब और रिलीज एनी एनर्जी यानी कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा कॉन्टिन्यूस होना चाहिए

ये ब्रदा फोर्ड से डिफरेंट था ठीक है द पंप्यूटर ऑर्बिट आर डोज फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रियल मल्टीपल ऑफ एच बाय टू पाय वेयर एच इज द प्लैंक्स कॉन्स्टेंट ठीक है कोई दिक्कत लाइक कर देना

First, second, third, so it is the the position of the orbit that we are talking about. Okay? Longer integer n is called the principal quantum number. और ये है बोहर का क्वांटाइजेशन पॉस्टुलेट जब इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स मूव करते हैं तो ये रेडिएट एनर्जी रेडिएट नहीं करते ये ऑर्बिट को कहा जाता है स्टेशनरी या फिर नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट तो इस मैनर में इसके ओवरकम कर लिया रदरफोर्ड की डिफिकल्टी टू अकाउंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द आटम अब इलेक्ट्रॉन कुड मूव फ्रॉम वन स्टेशनरी ऑर्बिट टू द द अदर बाय और एमिशन ऑफ ऑफ एनर्जी इसके इस क्वेश्चन के प्रैक्टिस बेटा कल है इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ओके एनर्जी एब्सॉर्ब होती है फ्रॉम हायर टू लोअर टू हायर और हायर टू लोअर से एनर्जी रिलीज होती है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बोहर थ्योरी का था द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दो एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 टू ओके? Okay? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अब बोहर्स मॉडल के अंदर हमारे पास ये डेरिवेशन आ गया है बोहर्स का यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सीजीएस यूनिट में के की वैल्यू 1 होती है एक बात का ध्यान रखना सीजीएस यूनिट में इलेक्ट्रोसैटिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू वन होती है ठीक है अब आर को अगर हम इंफिनिटी ले लेते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ जाती है हमारे पास ओके नेगेटिव एनर्जी का मतलब नेगेटिव एनर्जी का क्या मतलब है वायदा द इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव एनर्जी हमने इंफिनिटी पे एनर्जी को जीरो ले रखा है तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाता है वह एनर्जी एमिट करता चला जाता है और जब वो एमिट करता है तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है तो इन्फिनिटी पे जीरो है तो जितना पास आ जाएगा न्यूक्लियस के उतनी नेगेटिव हो जाएगी ठीक है तो इसीलिए इसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाता है राज दिवाकर मैं एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा दिख रहा हूं आई डोंट नो एक एटम के लिए Q1 वन इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस जेड ई जेड क्या है एटॉमिक नंबर E क्या है चार्ज ऑफ प्रोटॉन समझे ज द एटॉमिक नंबर एंड इज द प्रोटोनिक चार्ज क्यू टू इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस ई श्रेयांश मैंने गूगल मीट नहीं दिया है आज like लाइक कर देना सेवेंटी टू वॉचिंग है हमारे पास चार्ज ऑफ द प्रोटॉन इज कंसिडर ई दर्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज माइनस रेडियस ऑफ द एन एथ ऑर्बिट टेकन एज आर एन तो यह हमारे पास डेरिवेशन आ जाता है बोहर का अच्छा एक बात का ध्यान रखता काइनेटिक एनर्जी को हाफ द मैग्निट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होना होगा फॉर द सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपेटल फोर्स टू बैलेंस ईच आदर ओके और काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए हमने मॉड लगा दिया है पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव भी हो सकती है ओके okay? साइनेपिस बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो ओके okay? एनर्जी की वैल्यू हो गई टू इन टू जेड आर एन टोटल एनर्जी कितनी हो गई दोनों को ऐड कर दीजिए वुड बी माइनस वन बाय टू जेड आर एन हो गया अब सारे के सारे एनर्जी का रिलेशन आ गया ई एन इज इक्वल टू टू के टू माइनस वन एंड ईपी बाईज टू माइनस टू ये जो है जो एक्सप्रेशन सामने लिखा हुआ है इसे अच्छी तरह याद कर लो इसका क्वेश्चन बन सकता है ठीक है, ओके चलो सेवेंटी फाइव लाइक्स तो हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सिलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन वोल्ट ठीक है ओके, okay. बेटा अगर किसी का आपको यहां वगैरह नजर आया तो उसे ब्लॉक कर देना उसका जवाब मत देना ठीक है वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन फॉर माइनस नाइनटीन च्यूज इन द वैल्यू ऑफ एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी फॉर पोजिशन वाइल कैनेटिक एनर्जी फॉर मोशन ये बात ध्यान रखिएगा चलो एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास The kinetic energy of the electron in the NH shell is 3.4 electron volt. What is its potential and total energy? Aba EK baat ka e -K is equal to 1 by 2 of EP. EN is equal to absolute value of EP. EN is equal to the absolute... value EN is equal to... माइनस ई के ठीक है तो वैल्यू निकाल लें अब हम सब की। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई तो हमारे पास ई पी इज इक्वल टू माइनस टू इन ई के दैट इज इक्वल टू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय थ्री पॉइंट फोर इज इक्वल टू माइनस सिक्स पॉइंट एट इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो ई एन इज इक्वल टू माइनस इ के दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कोई दिक्कत ओके चलो तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं अब रेडियस को टर्म्स में ऑफ कॉन्स्टेंट्स में निकालें तो यहां से हम इसका रेडियस का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं ठीक है ये हमारे पास रेडियस का एक्सप्रेशन आ जाता है यहां पे एच स्क्वेर अपॉन फोर पाए स्क्वायर एम ई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है तो यूज इसको, इसको कर लेते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन बन जाता है दिस और हमारे पास आ जाता है ये आर नॉट अस्टेंट अब आर नॉट की वैल्यू है फाइव पॉइंट टू नाइन इंटू टेन स्टॉ माइनस इलेवन मीटर्स यानी कि जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन एंगट्रॉम तो हमारे पास ये सीधा सीधा आ जाता है ठीक है थैंक यू शशि सेवेंटी फाइव से आगे नहीं पहुंचेंगे क्या लाइक्स The radius of the nth orbit is given by this सॉल्व कर लें वेलोसिटी भी इस तरीके से निकाली जा सकती है velocity का एक्सप्रेशन तो आपको याद हो ही गया होगा अच्छा एक बात और ध्यान रखना वी नॉट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइड बाय 137 c सी बाय 137 याद कर लेना इसको ये भी जरूरी हो जाएगा ठीक है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ ए लाइट प्लस आई थिंक दैट आल्सो कैन बी कैल्कुलेट नॉट is the radius ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन atom. ठीक हाँ है हाँ बेटा ये पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन एथ ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस ये एक्सप्रेशन हमारे पास है सबसे टू इन वन वी गेट दिस एक्सप्रेशन और ये ई e नॉट बन जाता है एन इज टू नॉट स्क्ट की वैल्यू हमारे सामने है, एंड या फिर माइनस थ्री वन थ्री पॉइंट फाइव टू किलो कैलोरीज पर मोल लेकिन ये वैल्यू ज्यादा यूज होती नहीं है क्लियर आई थिंक एनर्जी कैलकुलेट की जा सकती है वेव नंबर के टर्म्स में भी इसको लिया जा सकता है यानी कि हम इसको ऐसे लिख देंगे ना ये जो वैल्यू है ना दिस इज वॉट वी हैव एज द रेड कांस्टेंट। कॉन्स्टेंट ये रेडबर्ग कॉन्स्टेंट आ जाता है ठीक है जी तो यहां पे हमने बोहर की थ्योरी से रेडब कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया फाइन कोई कंफ्यूजन तो हम एनर्जी का डिफरेंस भी निकाल सकते हैं ऐसे और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ जाती है बोहर की इक्वेशन इस इक्वेशन पे क्वेश्चन बन जाते हैं ये रेडबॉक फॉर्मूला बन जाता है राज कल की मेंटी के क्वेश्चन चाहिए आपको है ना तो एक काम करो एनसीआरटी एग्जाम्पलर कर लो उसमें से आ रहे हैं कल के मेंटी के क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको कंप्लीट कर लो आप ठीक है ना आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटोशल ऑर्बिट ऑफ अल गैशियस आइसोलेटेड आइटम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है ठीक है ई नॉट की वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन आइटम तो एक बात का ध्यान रखना कभी कभी क्वेश्चन पेपर के अंदर हाइड्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी दे दी जाती है एंड दैट इज वॉट वी हैव एज द इन वैल्यू ठीक है ये 76 लाइक पे अटके हुए हैं आज हम तो एनर्जी चेंजेस आप निकाल सकेंगे क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस हैं हमारे पास ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्स थ्योरी द थ्योरी इज एप्लीकेबल टू ओनली एच और एच लाइक स्पीशी यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी ठीक है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है डी सिस्टम द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन पोजिशन लेकिन मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में वो टाइम पर डिपेंड कर जाता है तो वो टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हो जाती है जिसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है स्पेक्ट्रा ऑफ आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऑल्सो डिफर फ्रॉम ईच अदर येस ड्यूट्रियम और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा डिफरेंट होता है वो बोहर कुड नॉट एक्सप्लेन ठीक है तो प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रेटियम का स्पेक्ट्रा डिफरेंट हो जाएगा ये हमारे पास आ जाता है बिकॉज ऑफ द मास रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट आइसोटोप इफेक्ट ध्यान रखना द डिफरेंस इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट इज नोन एज आइसोटोप इफेक्ट और ये सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है हाइड्रोजन के अंदर ठीक है ये हम 77 पे ही लगे रहेंगे आई लाइक पे फाइनल स्पेक्ट्रा हमारे पास आ जाता है देखो फाइनल स्पेक्ट्रा वॉज ऑब्जर्व हाइड्रोजन स्पेक्टर वॉज एक्सटेंशन से हमें मिल गया था इलेक्ट्रिकल मैग्नीफी अप्लाई करने पर डिस्चार्ज ट्यूब द लाइंस वाज स्प्लिट जीमेन इफेक्ट इज द स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज दीमेन इफेक्टिंक का लाइन स्प्लिट कर गई है स्टार्क इफेक्ट इज स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन ऑफ द स्पेक्ट्रा अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड उसे स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं इसके लिए इलिप्टिकल ऑर्बिट का कंसेप्ट यूज किया गया था लेकिन वो नहीं है अब आ गई डी ब्रॉगलीज वेव इक्वेशन डी रॉगली ने पुट किया कि मैटर भी ड्यूअल कैरेक्टरिस्टिक शो करता है ठीक है तो डीप्रॉगली की क्वेश्चन हमारे पास आ गई आई थिंक आज का सेशन हम यहीं पे एंड कर दें आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं काफी लंबा हो गया क्विज में एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा गुड नाइट बेटा ठीक है ओके okay. बाय कल मेंटी क्विज है एटॉमिक स्ट्रक्चर की याद रखना